गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक अगली टॉपिक जो है वैद्युत फ्लक्स। ये क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 टॉपिक 1.10 एनसीईआरटी के अनुसार वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो फ्लक्स का जो अर्थ होता है प्रवाह, क्या होता है प्रवाह, और ये किसके प्रवाह के विषय में बताएगा, तरल का प्रवाह, तरल का प्रवाह। तो एकांक आयतन से होने वाले तरल का प्रवाह ही क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। लेकिन भाई अब तरल के लिए तो हो गया, और हम पढ़ने जा रहे हैं किसके लिए, वैद्युत के लिए। जैसे देखिए, ये मान लीजिए क्या है आपका, कोई पाइप है, ये आपकी क्या है, कोई पाइप। तो यहां से यदि कोई तरल बह रहा है तो इसके एकांक आयतन से, एकांक आयतन से जितना तरल बहेगा उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। यानी प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती। केवल अभी वैद्युत फ्लक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल क्या कहलाएगी, फ्लक्स कहलाएगी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एकांक आयतन से कितना बह रहा है कोई तरल, अब उसी से बना है आपका वैद्युत फ्लक्स। तो हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। तो आप जानते हैं कोई, ये क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये क्या है आपका, कोई वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र में कोई हम पृष्ठ ले लेते हैं, ये मान लीजिए क्या है, कोई पृष्ठ। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले ये बल रेखाएं ही तो हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। भाई ये क्या बताएगा, भाई केवल वैद्युत फ्लक्स कुछ नहीं है, केवल बल रेखाओं की संख्या हो बताएगा, केवल बल रेखाओं की संख्या की माप बताएगा। और वो भी कहाँ बताएगा भाई, ये क्या है आपका, कोई काल्पनिक पृष्ठ। यानी हम इस पृष्ठ की क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब क्या होता है भाई, एरिया ना, क्षेत्र। तो किसी काल्पनिक क्षेत्र या एरिया या पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब बात करते हैं इसे गणितीय रूप में किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से गुजरने वाले जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए क्या है, ई है। और ये जो आपका क्षेत्रफल है, हम बहुत छोटा क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा ds। ये क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा, इसे प्रदर्शित करते हैं फाई से, फाई ई से कह सकते हैं भाई, फाई ई से। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ई डॉट ds, ई डॉट ds। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की क्या है बच्चों, तीव्रता है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ds क्या है भाई, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। तो किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी हम गणितीय रूप में कह सकते हैं, यही लिख दे भाई, ये गणितीय रूप ही है, गणितीय रूप, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। हाँ, अब देखिए गणितीय रूप में आपने लिखा फाई इक्वल टू ई डॉट ds, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ds आपका क्षेत्रफल। तो हम कह सकते हैं किसी एकांक पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या गणितीय रूप में कोई आपसे पूछे तो हम कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ से
गुजरने वाले जो बल रेखाओं की संख्या होती है उसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का क्या गुणनफल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स। यानी हम कह सकते हैं ई और डी एस का गुणनफल, गुणनफल, अरे भाई गुणा ही तो कर रहे हैं यहां, तो यही क्या कहलाएगा, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। अब हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स, तो आपको पता चल गया इसका मात्रक भी होता है, इसकी बीमा भी होती है, तो मात्रक और बीमा हम निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इसका हम मात्रक देख लेते हैं और बीमा देख लेते हैं, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम मिटा देते हैं भाई, और इसके बाद हम बात करते हैं क्या मात्रक और बीमा की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मात्रक कि मात्रक क्या होता है। तो देखिए मात्रक आप कैसे निकालेंगे, जैसे आपने मैथमेटिकली या गणितीय रूप में फाई इक्वल टू लिखा है ई डॉट डी एस, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इससे पहले आप लिख चुके हैं ई इक्वल टू क्या होता है एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू। तो ई का मात्रक क्या हो जाएगा, एक तो होता है यहां से देखो न्यूटन प्रति कूलाम, तो हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए डीएस क्या है आपका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां इसका मात्रक लिखे तो मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ये तो केवल इतने का हुआ भाई, और गुणे क्या मीटर स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर इसके साथ में आ जाएगा ना, कूलाम नीचे रहेगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका क्या हो जाएगा भाई फाई ई का मात्रक हो जाएगा, ये मात्रक हो जाएगा। तो एक मात्रक तो ये हो गया। अब देखिए न्यूटन प्रति कूलाम ही तो होता है, तो यहां हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, न्यूटन को, न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और कूलाम को क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं बटे है ना, तो इसको ऐसे कर दो और बटे कूलाम है, तो कूलाम को हम लिखते हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा आई इक्वल टू क्यू बाई टी या Q इक्वल टू आई टी, तो I क्या है एम्पियर, एम्पियर, और T क्या है समय यानी सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड। तो यहां हम लिखेंगे कूलाम को एम्पियर इंटू सेकेंड। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सैंपली कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अभी निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर। अब देखो सेकेंड स्क्वायर नीचे है तो इसको नीचे लिख देते हैं सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये भी तो नीचे है आपका एम्पियर, क्योंकि ये बटे में है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड, ये वाला। अब उसको ऊपर लेकर चले जाओ भाई, तो किलोग्राम मीटर और सेकेंड की पावर ऊपर लेकर चले जाएंगे, देखो सेकेंड दो और एक तीन, तो ऊपर जाएगा माइनस तीन, और इंटू एम्पियर भी ऊपर जाएगा तो एम्पियर की घात माइनस एक। तो ये भी इसका क्या, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया। तो यहां देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका क्या है, यही तो है न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसी में हम क्या करें, ये किसका मात्रक है केवल ई का। अब देखो मुझे इसका भी मात्रक तो लिखना है, तो ई इंटू डी एस कर देते हैं, और अगर डी एस कर रहे हैं तो देखिए इसी में क्या हो जाएगा डीएस यानी मीटर स्क्वायर होता है ना, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे, तो यहां करके देखते हैं, तो फाई ई का एक मात्रक और हो जाएगा, क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर माइनस थ्री
एम्पियर की पावर माइनस वन। आओ देखो, ये तो अभी मैंने ई का मात्रक लिखा, अब डीएस का भी लिख देते हैं, इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखिए मीटर यहाँ है, मीटर स्क्वायर है, मीटर की घात तीन, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर की पावर थ्री, सेकेंड की पावर माइनस थ्री, एम्पियर की पावर कितना बच्चों माइनस वन। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का मात्रक ही होगा, और इसी मात्रक से हम बीमा लिख सकते हैं, इसी मात्रक से क्या कर सकते हैं, हम बीमा भी लिख सकते हैं। तो बीमा लिखकर देख लेते हैं भाई, ये तो इतना समझ में आ गया होगा। तो एक मात्रक हमने ये देखा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और एक मात्रक हमने ये देखा किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड की पावर माइनस थ्री, एम्पियर की पावर माइनस वन। अब देखिए बीमा की हम बात करते हैं, किसकी बात, बीमा की बात करते हैं भाई। तो बीमा क्या हो जाएगी, बीमा में किलोग्राम को एम से, मीटर को एल से, सेकेंड को टी से, एम्पियर को ए से लिख देते हैं, बस यही लिख देना भाई, इसी मात्रक से हमारी बीमा भी निकल जाएगी। तो यहां देखिए हमने लिख दिया किलोग्राम है ना, तो एम, मीटर की पावर थ्री है तो एल की पावर थ्री, सेकेंड की पावर माइनस थ्री है तो टी की पावर माइनस थ्री, और ए की पावर क्या है माइनस वन। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी बच्चों, एम एल क्यूब टी की पावर माइनस थ्री, ए की पावर माइनस वन, ये क्या हो जाएगी, वैद्युत फ्लक्स की बीमा हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या निकाला, इसका मात्रक भी निकाल लिया बड़ी आसानी से, दो मात्रक निकाले और एक बीमा भी निकाल ली, तो इसमें आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं भाई, ये तो हो गया टॉपिक 1.10, तो इसको हम मिटा देते हैं भाई, देखिए इसको हम दे रहे हैं मिटा, ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, और समझ में तभी आएगा जब आप लोग मेहनत करेंगे तब, और मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों हमने देख लिया था टॉपिक 1.10 वैद्युत फ्लक्स, इसका मात्रक बीमा सब हमने देख लिया था। तो इसका एक और मात्रक मैंने आपको नहीं बताया था, एक और मात्रक क्या होता है, बोल्ट मीटर होता है, बोल्ट मीटर, ये इसका एक और मात्रक होता है, इसको ध्यान रखिएगा ठीक है। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं, टॉपिक 1.11 क्या है, आप ये देख लीजिए भाई, तो टॉपिक 1.11 है वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव या इसी को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए हम बात करते हैं भाई वैद्युत द्विध्रुव है क्या। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि एक प्रकार का निकाय होता है भाई, जैसे मान के हम चलें कि कोई निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, उसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। चलिए आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ देखिए मान लीजिए कोई एक आवेश है प्लस क्यू, कोई दूसरा आवेश है माइनस क्यू, अब ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर क्या रखे हुए हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, बहुत कम है। तो इसी पूरे निकाय को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, दो समान, क्योंकि इनका मात्रा क्या रहेगी, समान रहेगी, इनकी मात्रा समान रहेगी, आवेश भले ही प्लस माइनस हो लेकिन मात्रा क्या रहेगी, समान रहेगी, दो समान किंतु विपरीत आवेश या बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो उस निकाय को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। चलिए फिर इसे एक बार देख लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बिंदु आवेश
समान मात्रा के किंतु विपरीत हों, समान किंतु विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसी से रिलेटेड है टॉपिक 1.11 से। क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण, देखो इसको सही कर देते हैं भाई, आघूर्ण है यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है, इसी से रिलेटेड है ये भी, यानी अभी आपने क्या पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव, दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो उसे हम क्या कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। आघूर्ण क्या होता है, मान लीजिए ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर रखे हुए हों, ये पूरी दूरी है भाई 2L मान लेते हैं, यहां से यहां तक ये 2L इसलिए मान लेते हैं कि L अगर मध्य बिंदु लें तो यहां से यहां तक L हो जाएगा और यहां से यहां तक L हो जाएगा, यानी L दूरी ये, L दूरी ये, सुविधा के लिए हम लेते हैं 2L ताकि आगे जो डेरिवेशन हम करेंगे उसमें सुविधा रहेगी। तो यद दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या है 2L है, तो उसमें एक आवेश की मात्रा हम ले लें Q और इस दूरी का क्या करवा दें गुणा करवा दें, तो इसी को कहते हैं क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसे प्रदर्शित करते हैं किससे, P से, यानी P इक्वल टू होता है हम क्या ले रहे हैं भाई एक आवेश की मात्रा ले रहे हैं और उनके बीच की दूरी, या इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू 2QL, यही इसके लिए क्या होता है बच्चों फार्मूला होता है, यही P आपका क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव यदि कोई निकाय वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है तो उसमें एक आवेश की मात्रा और उनके बीच की दूरी का गुणनफल कहलाता है क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आवेश की मात्रा और उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पी कहलाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं भाई इसके मात्रक और विमा की बात कर लेते हैं, चलिए क्योंकि मात्रक पूछ लिया जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, उसको तुरंत हम यहां फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रक की, मात्रक किसका भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। देखिए मात्रक क्या होगा, यहां ध्यान से देखेंगे तो Q का मात्रक क्या होता है बच्चों कूलम्ब, बहुत अच्छा। L दूरी है तो L का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों कूलम्ब मीटर, या मीटर कूलम्ब लिख सकते हैं, ये तो एक मात्रक हो जाएगा भाई। इसको दूसरी प्रकार से किस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, कूलाम को हम क्या लिखते हैं एम्पियर सेकेंड, क्योंकि आपने पढ़ा होगा आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, यहां से हो जाएगा क्यू इक्वल टू आई टी, तो क्यू का मात्र कूलाम लिखें या फिर एम्पियर इंटू सेकेंड लिखें, तो इसी को लिखते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, अब ये हो गया और मीटर तो लिखा ही है इंटू मीटर, तो इसका एक मात्रक और हो सकता है एम्पियर सेकेंड मीटर, या इसी को मीटर को हम आगे लिख देते हैं भाई मीटर एम्पियर और क्या बच्चों सेकेंड, मीटर एम्पियर सेकेंड, ये इसका एक और मात्रक हो गया। अब हम बात करते हैं विमीय सूत्र की, या विमा की, विमीय सूत्र की बात करते हैं, तो विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों देखिए इसी को हम क्या विमा के रूप में लिख देते हैं भाई, यानी मीटर को L से, एम्पियर को A से और सेकेंड को T से, तो L A T या L T A, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं L A T लिखो भाई चाहे L T ये लिखो, दोनों भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे या A T L लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो।
तो ये तो हो गया किसका मात्रक भाई, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का क्या मात्रक और विमीय सूत्र। तो देखिए यहां तो हमने इसका मात्रक लिखा, विमीय सूत्र लिख दिया। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे भाई, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक अच्छी स्थिति में हो जाएगी और एक निरच्छी स्थिति में, तो वो थोड़ा वीडियो लंबा होगा इसलिए उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण, उसको हम फाइंड करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।